ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दर्द मंच पर देखने को मिला। दिग्विजय ने कहा, हम उन्हें महाराज कहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भाई साहब बना दिया। वही दिग्गी ने तंज कसते हुए कहा कि सिंधिया कोई योद्धा है क्या, जिनसे हारे उन्हीं से मिल गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर छलका दिग्विजय सिंह का दर्द, हम उन्हें महाराज कहते थे, बीजेपी ने उन्हें भाई साहब बना दिया। अशोकनगर में दिग्विजय ने सिंधिया पर कसा तंज। पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का मुख्य चेहरा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के लिए चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर जाने का दर्द अभी भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को है। अब इस पर दिग्विजय सिंह का दर्द छलका है। अशोकनगर में सभा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के भाजपा में शामिल होने को लेकर तंज कसा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें उनसे उम्मीद नहीं थी, हम उनको महाराज कहते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। और आज आप हालत उनकी देख रहे हो, क्या हो रहा है। वो मान सम्मान जो कांग्रेस ने दिया, राजीव जी ने दिया, इंदिरा जी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, राहुल और प्रियंका जी ने दिया, ये भाजपा के नेता कहीं देने वाले नहीं, इतना मैं बताई देता हूं। अरे हम उनको महाराज करते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। साथियों, मैं आज आपसे इतना कहना चाहता हूं कमलनाथ जी। अशोकनगर में सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने याद करते हुए कहा, हमें इस बात की खुशी है कि माधवराव सिंधिया जी के देहांत के बाद उनके चिरंजीवी ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में आए। ग्वालियर में उनके बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि हीरा है, तराशा जाएगा, चमकेगा। हमने उनको चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद वो चुनाव हार गए। योद्धा वो होता है जो हार कर भी लड़ाई चालू कर दे। वो क्या योद्धा होता है जिनसे हारा उन्हीं से जाकर मिल जाए। हमें इस बात की खुशी है, माधवराव जी सिंधिया जब यहाँ पर आए, उन्होंने पूरा सहयोग किया, पूरा काम किया। हम दोनों ने मिलकर ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश में काम किया और हमें इस बात की खुशी है। उसके बाद जो दुखद देहांत, हमारी उस बात की खुशी है कि हमारे स्वर्गीय श्रीमद महाराज माधवराव जी सिंधिया के दुखद देहांत के बाद उनके चिरंजीव ज्योतिराज सिंधिया हमारी पार्टी में आए। नौजवान थे, आज भी नौजवान है। मुझसे जो ग्वालियर में पूछा गया कि इनके बारे में कुछ कहिए, मैंने कहा हीरा है, तराशा जाएगा, चमकेगा। हमने चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद वो पिछले लोकसभा चुनाव में रघुवीर सिंह रुसल्ला के बेटे से क्या चुनाव हार गए कि उनका बिल्कुल मन भी बैठ गया। अरे हमने कहा दिग्विजय सिंह भी हार गए थे, कौन बड़ी बात थी, लेकिन योद्धा वो होता है जो हार के भी फिर लड़ाई चालू कर देता है। वो क्या योद्धा होता है जो जिनसे हारा उन्हीं से जाके मिल जाए। किसको उम्मीद थी कि ज्योतिराज सिंधिया जिनसे हारे वे उसी पार्टी में चले गए, हमें उनसे उम्मीद नहीं थी। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी ने सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में मात देने के लिए तगड़ी रणनीति तैयार की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया किस तरह से दिग्विजय को जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, अशोकनगर।